हेलो बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। मजा आ रहा है आपको सबको वीडियोस देखकर क्वेश्चन करने में? आपको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो रहा होगा। चलिए, कल पिछली क्लास के अंदर हमने स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट को सीखा था बच्चों, ठीक है। आज हम उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था मैं करवाऊंगा और उसके बाद फिर अगले आर्टिकल पर चलेंगे हम। चलिए, 2019 के अंदर बच्चों एक सवाल पूछा गया था, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी वी, the velocity v and three forces are act on particle according to three particle act on particle shown in as shown in figure, then और आपको डायग्राम कुछ ऐसे बनाकर दे दिया बच्चों। और ऑप्शन दे दिए इन देन वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट चेंज विद सम टाइम, ऐसे आपको दे दिया। अब एक पार्टिकल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और उस पर तीन फोर्सेस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्ट हो रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो ये भैया एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। तीन फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की तीन साइड को, वो भी रेगुलर साइड्स को। तो यहां पर एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा, और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सीलरेशन भी जीरो आएगा, और जब एक्सीलेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी को कोई चेंज करने वाला होगा नहीं, मैग्नीट्यूड बदलेगा ना कोई डायरेक्शन बदलेगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी बच्चों। अच्छा सवाल, जिसके अंदर वेक्टर को यूज करवाते हुए आपसे कंसेप्ट की चर्चा करी बच्चों, अच्छा सवाल था। चलिए आगे की बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए, सवाल पूछा गया बच्चों ऐसे, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ही कवर्ड फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड His average speed. Find his average speed. उसकी average speed हमें निकाल कर देनी है। जैसा कहे वैसा डायग्राम बच्चों। मोटरसाइकिलिस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है। बोला है कि he covered first one third. अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? नहीं दिया हुआ, आप अज्यूम कीजिए, सपोज x. तो इसका वन थर्ड क्या होगा बच्चों? x by 3. उसको उसने 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है,
मैक्स वन थर्ड जो है उसको उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, तो रिमेनिंग जो बचेगी वो भी तो वन थर्ड ही बचेगी ना यार बच्चों, उसको उसने 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है। तो आपको डिस्टेंस के इंटरवल इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है और स्पीड, अब अगर आपको उन दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको यह पता है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस थी तो एवरेज स्पीड एन अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री, तीन इंटरवल, तो एन की जगह तीन पुट कर दो, वी वन की जगह 10, वी टू की जगह 20, वी थ्री की जगह पर 60, सॉल्व कर लीजिए आंसर से आ जाएगा। पर बाई चांस आपको अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। निगाह इन दोनों पर ही होनी चाहिए, क्या टोटल डिस्टेंस भी निकालनी है मुझे, टोटल टाइम भी निकालना है। टोटल डिस्टेंस डायग्राम में देखो, एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री सबको ऐड करोगे तो एक्स ही आएगा। अब इस इंटरवल का कोई टाइम होगा, इसका कोई टाइम होगा, इसका कोई टाइम होगा, टाइम तो दे नहीं रखा है, पर हाँ स्पीड और डिस्टेंस की चर्चा जरूर है। तो टाइम इक्वल होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया यहां पहले डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री में 10 से डिवाइड करो तो एक्स बाई थर्टी आ जाएगा, तो यहां पर एक्स बाई थर्टी, यहां एक्स बाई थ्री में 20 से डिवाइड करो तो एक्स बाई सिक्सटी आ जाएगा, यहां डिवाइड करोगे तो एक्स बाई वन एटी आ जाएगा। ऊपर एक्स है, नीचे से एक्स कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आप 180 एलसीएम ले लो, एक्स कॉमन ले लो 180 एलसीएम ले लो, 6 3 18 6 3 18 और ये 1, एक्स एक्स मर जाएगा, पलट कर ऊपर चला गया, 180 डिवाइडेड बाय 10 तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट आंसर होगा। उससे निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, देख लीजिए आप, एन की जगह पर 3, 1 बाई 10, 1 बाई 20, 1 बाई 60, नीचे से आप 60 को एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 1, पलट कर ऊपर चला जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 10 अगेन 18, खत्म। वो अगर याद है तो उससे कर लो, पर याद मुझे जैसे मुझे नहीं रहता है बच्चों, अभी मैंने लेटेस्ट अपने पास पिछली क्लास में ही प्रूव किया था इसलिए मुझे आज याद है, क्योंकि कल ही किया था वो तो आज मुझे याद है, पर मैं 2-3 दिन के बाद मुझे पूछोगे तो मैं भूल जाऊंगा। तो मुझे एक ही कंसेप्ट पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा और सॉल्व कर लो। कोई भी सवाल हो ना यार, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कोई भी सवाल हो, उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा। मैं कोई फॉर्मूला रटने का प्रयास नहीं करूंगा बच्चों, बस कंसेप्ट मुझे पता है कि क्या करना है, तो मैं आराम से हर सवाल का जवाब यहां पर निकाल कर दे सकता हूं। जैसे एक बार सवाल पूछा गया बच्चों, देखो जरा ध्यान से, अच्छा सवाल, सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया बच्चों ऐसे, अ बर्ड फ्लाई ऑफ टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड then she take rest for 5 seconds, after that fly towards south with 24 meter per second for 10 seconds, find एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। बर्ड की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल लिए। चलिए भाई जैसा कहे वैसा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट है, ये लीजिए, यहां नॉर्थ होता है यहां साउथ होता है, बर्ड ने यहां से उड़ना शुरू किया बच्चों। पहले बर्ड कहां उड़ी भाई, नॉर्थ की तरफ, चलिए साहब नॉर्थ की तरफ उड़ा देते हैं उसको। यहां जाकर उसके 15 सेकंड पूरे हो गए, स्पीड थी उड़ने की 20, टाइम लगा 15 सेकंड का,
तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, 20 इंटू 15 कर लो 300 आ जाएगा बच्चों। यहां जाकर उसने 5 सेकंड का रेस्ट किया है, 5 सेकंड रेस्ट, आराम किया, उड़ते उड़ते थक गई भाई। और उसके बाद बच्चों ये लौट कर वापस से आई साउथ की तरफ, 24 मीटर पर सेकंड से उड़ी, 10 सेकंड तक उड़ी, मान लो यहां पर 10 सेकंड पूरे हो गए। तो यहां ए से बी तक आने में इसको जो स्पीड थी वो 24 मीटर पर सेकंड की थी, टाइम लगा 10 सेकंड का। तो जो एस ए बी आएगा यानी ए से बी तक की डिस्टेंस आएगी, 24 इंटू 10 करोगे 240 मीटर आ जाएगा। चलिए साहब, अब अपन निकालते हैं पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, अपने आप से पूछो यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले ए से मतलब ओ से लेकर ए तक जाने की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 300। फिर ए से बी तक आने की डिस्टेंस कितनी आई, 240। टाइम देखो, जाने में टाइम लगा 15 सेकंड का, 5 सेकंड विश्राम का लगा और 10 सेकंड वापस से लौट कर आने में लगा। तो ऊपर बना बच्चों 540, 540 और नीचे 30, तो 18 मीटर पर सेकंड उसकी बनी एवरेज स्पीड। ये तो है एवरेज स्पीड, पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको चाहिए बच्चों, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर विद डायरेक्शन अगर ऑप्शन दे रखा हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को विद डायरेक्शन ही लेना। पहला डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ से ए तक बना है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 300 मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 300 जे कैप। दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमारा साउथ की तरफ बना ए से बी तक, साउथ की तरफ है तो -240 जे कैप। टाइम तो वही लगा बच्चों 15 प्लस 5 प्लस 10, तो ऊपर बना 60 जे कैप, नीचे बना 30, तो ये 2 जे कैप मीटर पर सेकंड आया। प्लस में आंसर आ रहा, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ही जे कैप होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड किसकी एवरेज वेलोसिटी होगी और एवरेज स्पीड होगी टोटल पूरे मोशन में 18 मीटर पर सेकंड। कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद डायग्राम, आपने सब चीजों को समझा और सॉल्व किया बच्चों। चलिए अगली चीज को देखेंगे बच्चों, अगले सवाल को, जो कि साइंस ओलंपियाड में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ये भी अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल आपको आपके मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है, क्रिएटिव के मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है बच्चों आपको। और वैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉडल हो, चाहे मॉड्यूल हो, आप चाहे एलन के अंदर पढ़ते हो, चाहे आप किसी और इंस्टीट्यूट में अनएकेडमी पर हो या वाईजूस पर हो, कहीं पर भी हो, हर मॉड्यूल के अंदर आपको ये सवाल न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा। जर्नलाइज फॉर्म के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। सवाल क्या है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वी नॉट, देन नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्स इन टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विद स्पीड V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड, ये सवाल है हमारा। देखो, पार्टिकल ने बोला है कि मूव करा स्ट्रेट लाइन पर पहली आधी डिस्टेंस, यहां से यहां तक मान लो यार S/2 है, उसको तो वी नॉट से कवर किया उसने, वी नॉट डिस्टेंस बोल स्पीड बोला है। पर जो रिमेनिंग की हाफ डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाली, उसको उसने दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया, इक्वल टाइम इंटरवल। तो मान लेता हूं भाई कि यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल टी है, तो यहां से यहां तक का भी टी होगा। इस इंटरवल के अंदर वो चला है V1 स्पीड के साथ, इसमें चला है V2 स्पीड के साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल, सॉरी आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए।
तो आप सबको बताया यार, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता है, टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम की। टोटल डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है s बाई टू, और s बाई टू मिलकर s बना देगा, पर टोटल टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां से यहां तक का मान लो टाइम t नॉट है, अज्यूम कर लिया है मैंने, है नहीं है मेरे पास, और ये टोटल टाइम तो आपको दिख ही रहा है 2t के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं यहां पर t नॉट प्लस 2t लिख सकता हूं। अब मेरे पास ना t नॉट है ना t है, ये दोनों ही मुझे निकालने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें तो मुझे डिस्टेंस और स्पीड दोनों नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ए से लेकर बी तक की बात मैं करूं फॉर ए बी पार्ट, तो यहां तो मैं सीधा सीधा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके लिख सकता हूं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां तो टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू है एस बाई टू, स्पीड की वैल्यू वी नॉट, तो एस अपॉन टू वी नॉट, ये तो हमारा टी नॉट आ गया बच्चों, ठीक है। अब बात करूं मैं जरा स्टी की, तो ध्यान से देखो, इस 2t टाइम के अंदर इतनी डिस्टेंस को कवर किया है s by 2, ठीक है। तो मैं पहले यहां पर 4bd पार्ट के लिए कर रहा हूं, b से d तक के लिए, ध्यान रखना। सबको मालूम बच्चों, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस s by 2 है, स्पीड की बात करें, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये s by 2 यहां से यहां तक कोई ना कोई x1 डिस्टेंस बनी होगी, कोई ना कोई यहां तक बनी होगी x2। तो मैं इस कंसेप्ट को तो बाद में लगाऊंगा, s by 2 जो बनेगा वो x1 प्लस x2 से बनेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब x1 डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करो अगर आप, तो स्पीड है v1 टाइम t, तो x1 की जगह पर आप लिख सकते हो v1t और x2 की जगह पर v2t, दोनों में से t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2, ये s by 2, तो यहां से t की वैल्यू निकाल लो आप, या इस 2 को तो इधर ले जाओ, v1 प्लस v2 को ले आओ, तो 2t डायरेक्टली आ जाएगा s अपॉन v1 प्लस v2। ये मेरा 2t आ गया, ये मेरा t नॉट आ गया, दोनों को उठाकर यहां पुट कर दो। ध्यान से देखो, s t नॉट की जगह पर आप पुट करोगे s अपॉन 2v नॉट, और यहां पुट करोगे आप s अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। यहां से आप s कॉमन लीजिएगा और एलसीएम में आ जाएगा ट्वाइस वी नॉट वी वन प्लस वी टू, यहां वी वन प्लस वी टू इस जगह पर प्लस ट्वाइस वी नॉट, ये एसएस कट जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से इसको उठाकर आप यहां रख दीजिए, ये पलट कर ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस ट्वाइस वी नॉट। ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा, पर यही सवाल एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे पूछा गया था बच्चों, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे था मैं बता देता हूं आपको, लैंग्वेज से आप समझ लीजिएगा। और वैसे चाहता तो मैं इसको दो लाइन में भी कर सकता था बच्चों, ऐसा नहीं है। देखो, यही सवाल ऐसे भी किया, सवाल दिया जाता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को उसने 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को उसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया। पहली डिस्टेंस आपको दे दी बच्चों मान लो 3.5, दूसरा दे दिया आपको 4.5, और पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो आपने अभी भी सवाल किया है ना, वैसे ही जो फॉर्मूला मैंने निकाला, अगर वो आपको याद हो तो डायरेक्ट वी नॉट की जगह 3 पुट कर दो, वी वन की जगह 3.5, वी टू की जगह 4.5, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं बच्चों तो आप कर सकते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के सवाल, ठीक है। बाकी और तो सवाल आपको करने ही है बच्चों, अच्छे अच्छे सवाल। जैसे एक सवाल और करवाता हूं, ध्यान से देखना, पूछा हुआ सवाल है इसलिए बता देता हूं आपको। ऐसे दिया, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर लॉन्ग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी,
फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया और एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल था ए, फाइनल है डी, तो ए से डी की तरफ आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास 25 मीटर का। पर अब टाइम ए से लेकर डी तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो टाइम लगेगा, पर इस ए से लेकर डी तक तो अपने को स्पीड पता है और डिस्टेंस भी पता है क्योंकि हर 25 25 25। तो टाइम इक्वल्स होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बना? 75 25 प्लस 25 25। स्पीड है 15, 5 सेकेंड आपको मिलेगा, 5 सेकेंड यहां रख दीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर बनेगा अलोंग एडी, एसीडी की तरफ, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल बना करते हैं बच्चों एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के। चलिए भाई अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, नेक्स्ट आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल है बच्चों हमारा चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, दो चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले अपन चेंज की बात कर लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। जैसा मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जब मैंने नॉन यूनिफॉर्म की बात करी थी तो कहा था भाई कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएशन का आना और वेरिएशन अपने आप कभी आता नहीं है बच्चों। वेरिएशन कभी भी अपने आप नहीं आता है, वेरिएशन तभी आता है जब कोई फोर्स लग रहा हो और उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा ही सही यार बच्चों, बिना फोर्स के वेरिएशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि वेलोसिटी चेंज की बात कर रहा है। अब चेंज का मतलब होता है बच्चों, हमेशा चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये चेंज का मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज का मतलब है। ठीक है, अब चेंज तो बच्चों डायरेक्शन की वजह से भी चेंज आ सकता है, मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज आ सकता है। अगर सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना हो, मान लो कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है, आप उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलना चाहते हो तो उस वेलोसिटी के पैरेलल में या एंटी पैरेलल में कोई फोर्स या एक्सेलरेशन आप एक्ट करवा दीजिए तो ओनली चेंज मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाना होगा, पर अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना चाहते हो बच्चों तो आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लगवा दीजिए। ठीक है, फॉर वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ओनली चेंज द डायरेक्शन अप्लाई अ परपेंडिकुलर फोर्स एट वन इंस्टेंट। एक इंस्टेंट पर लगा दीजिए आप, डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी। और अगर आपको दोनों में चेंज करना हो बच्चों तो आपको ऑब्लिक डायरेक्शन में कोई फोर्स या एक्सेलरेशन लगाना पड़ता है। ऑब्लिक का मतलब होता है बच्चों एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल पर लगाना। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा बच्चों इधर होगा, दूसरा इधर होगा। तो जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल में आएगा वो मैग्नीट्यूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा वो डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ऐसा जनरली आपको स्ट्रेट लाइन पर दिखाई देगा, ऐसा आपको सर्कुलर मोशन में दिखाई देगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हमेशा लगेगा जो सेंट्रीपिटल बनता है, और ऐसा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात होगी चेंज इन वेलोसिटी के। अब जरा इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात कर ले बच्चों। हाँ जी, न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखेंगे इसका। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। पहले तो चेंज का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए। चेंज का मतलब होता है बच्चों
फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज जब कभी भी आपको निकालना हो तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम चेंज इन वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो केवल हमें वेलोसिटी चेंज ही निकालना आता है, ऐसा नहीं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में निकालो, तरीका यही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब चेंज निकालो तो ये जरूर देखो कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। अगर मान लो आपसे पूछ लेता बच्चों चेंज इन स्पीड, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, चेंज इन स्पीड, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, तो लिखिए चेंज का मतलब होता है डेल्टा, या लिखोगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक है। मान लो आपसे पूछ ले चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स होगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तीसरी बात देखें, व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। सवाल में आपको पार्टिकल की इनिशियल फाइनल पोजीशन बताएगा, कहीं पर भी हो सकता है। मान लो ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर वी है तो फाइनल पोजीशन कहीं पर भी कितने भी एंगल पर हो सकती है बच्चों, ठीक है। ये मान लो थीटा एंगल पर फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ जाकर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी वी है तो यहाँ पर भी वी है, पर डायरेक्शन तो बदल रही है ना। देखो इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, फिर इसकी डायरेक्शन इधर, चेंज आएगा। पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो वो हमेशा होगा 2v sin थीटा / 2। बस सर ये कैसे आ गया, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी चेंज दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, और वो भी ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और किसी एंगल पर हों तो उनका चेंज 2a sin थीटा / 2 आता है, तो वो चेंज ही 2v sin थीटा / 2 बन जाएगा, ठीक है। चौथी चीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक, कभी कभी घड़ी पर बेस क्लॉक कुछ घड़ी पर बेस क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको घड़ी के अंदर दो बातें हमेशा पता होनी चाहिए। पहली बात कि दो रेगुलर डिजिट्स जो होती हैं, जैसे 12 एक एक दो सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दो रेगुलर डिजिट के बीच में जो एंगल होता है ना बच्चों 30 डिग्री का होता है। पहली बात तो आपको ये पता हो, दूसरी बात तीनों हैंड की स्पीड पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड। तो वो होता है बच्चों वीक वसू डिस्टेंस होता है 2πr, और टाइम लगा 60 सेकेंड का, एक पूरा चक्कर करने में 60 सेकेंड, डिस्टेंस पूरा चक्कर करने में 2πr, तो ये बनेगा बच्चों पाई आर अपॉन 30। स्पीड ऑफ मिनट हैंड की अगर बात करेंगे बच्चों तो डिस्टेंस तो वही 2πr होगी, पर टाइम लगेगा 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड, तो पाई आर अपॉन 1800, ठीक है। स्पीड ऑफ आवर्स हैंड 2πr अपॉन 24 नहीं 12 घंटे के अंदर चक्कर लगाती है, और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो दो से आप इसको 1800 बार काट सकते हो, तो ये बनेगा बच्चों पाई आर अपॉन 0 0 8 2 16 हासिल के 1 12 8 96 9 12 और 9 21 21600। पर इनमें ये आर जो होता है ना बच्चों, आर ये रेडियस ऑफ क्लॉक नहीं होता है, ये होता है लेंथ ऑफ हैंड, लेंथ ऑफ हैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर
घड़ी की रेडियस ही ढूंढता है बच्चा, बोले सर रेडियस तो दी नहीं सवा। अबे घड़ी की जो हैंड की लेंथ दे रखी थी वही आपको एज ए रेडियस यूज करनी होती है। तो ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट, इससे आप कोई भी सवाल आप आराम से कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर का या हो चेंज इन, जैसे मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, मान लो सवाल दिया आपको ऐसे, अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड शोन इन फिगर, पहले मैंने दे दिया आपको शोन इन फिगर, ऐसे डायग्राम आपको दिया, दिस इज द इनिशियल पोजिशन, आर रेडियस का है, दिस इज द फाइनल पोजिशन, यहां इसकी स्पीड इनिशियल वी है, यहां पर फाइनल वी है। पूछ क्या रहा है, फाइंड पहली चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन वेलोसिटी, तीसरा चेंज इन मोमेंटम, चौथा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे चार चीज पूछ ली आपसे। तो चलो एक एक बात को निकालते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखें। चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, फाइनल भी वी है इनिशियल भी वी है तो जीरो, पहला आंसर तो जीरो। रीजन वैसे भी सवाल में लिख कर दिया हुआ था यार, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता बच्चों एक जैसी स्पीड, तो चेंज आएगा ही नहीं ना भाई। पर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की बात जब होगी बच्चों, तो वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर फॉर्म है, फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड माइनस वी आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड तो वी जे कैप, तो जवाब बनेगा माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। या तो ऐसे कर दो, या फिर दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ध्यान से देखना इधर, इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा, यहां सॉल्व करता हूं मैं। चेंज और करके यहां लख यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था बच्चों, यार आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट तो होता नहीं है, वेक्टर के अंदर बताया था फाइनल वेलोसिटी की तरफ बच्चों टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और उसके अंदर मुझे इनिशियल का नेगेटिव ऐड करना है, इनिशियल कहां है ऊपर तो उसका नेगेटिव कहां आएगा नीचे, तो ये अपने पास में चेंज बन जाएगा बच्चों। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसकी वैल्यू भी वी है, इसकी वैल्यू भी वी है, तो ये वी रूट टू आ जाएगा बच्चों, तो यहां से भी निकालोगे तो वी रूट टू ही आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, आई कैप नेगेटिव जे कैप नेगेटिव, तो भैया ये ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में बना बन गया है, ये देखो यहां एंगल निकालोगे 45 डिग्री का, ये दोनों आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल बनाने तो 45 डिग्री है, ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। चेंज इन मोमेंटम की बात करें तीसरे वाले की, मास को चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी वेक्टर का चेंज आप निकाल चुके हो बच्चों, यहां पर वी रूट टू आया अपने बस में मैग्नीट्यूड, तो ये वी रूट टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो एम वी रूट टू बन जाएगा, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये। चौथा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, फाइनल भी वी है इनिशियल भी वी है, तो भैया जीरो आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहला सवाल जिसके अंदर चार चीजों का चेंज मैंने आपको निकाल कर दिया। आगे देखें, सवाल आपको से दे दिया बच्चों,
एक पार्टिकल पहले ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चला, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चला, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तुरंत डायग्राम बनाओ यार बच्चों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इनिशियल डायरेक्शन में दे रखी है आपको ईस्ट में, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है नॉर्थ के अंदर। आपको चेंज इन वेलोसिटी निकाल कर देना है बच्चों। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल को 5 जी कैप लिखोगे, इनिशियल को 5 आई कैप लिखोगे। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखा जा सकता है माइनस 5 आई कैप प्लस 5 जी कैप। मैग्नीट्यूड निकालना आपको वेक्टर में भली भांति सिखा दिया गया है, क्वाड्रेंट भी पढ़ना आपको बताया था ऑन दी बिहाफ ऑफ साइन ऑफ आई कैप एंड जी कैप। ये सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकेंड का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। एंगल निकालोगे टेन थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, 1 आएगा, तो यहां से थीटा 45 डिग्री का बनेगा। तो डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल कर दे सकते हो, वेस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ बोलो या नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट बोलो, क्वाड्रेंट और एंगल के बेसिस पर डायरेक्शन लिखना मैंने सिखाया था आपको आर्टिकल नंबर 1 के अंदर बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन चेंज इन वेलोसिटी के बना करते हैं बच्चों, जो मैंने आपको समझा दिए। चलिए अब आते हैं एक्सेलरेशन पर भी, इस थर्ड आर्टिकल का अगला थ्योरेटिकल कंसेप्ट बच्चों एक्सेलरेशन। द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल मान लो पॉइंट ए से चला इस पाथ के अलोंग, यहां आया बी पॉइंट पर, यहां इनिशियली उसकी वेलोसिटी वी वन था, टाइम था टी वन, यहां पहुंचकर उसकी वेलोसिटी वी टू हो गया, टाइम टी टू हो गया। कंडीशन देखा जाए बच्चों तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवेल, अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो बेटा यहां एक्सेलेरेशन को लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन की बात करोगे आप तो एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब इस एक्सेलेरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी बात डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तीसरी बात एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात साइन ऑफ एक्सेलरेशन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन का साइन सिर्फ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चों। पर एक चीज और आती है बच्चों, अब जैसे सिंपल सिंपल बातें हैं मैं पूछ बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई है ठीक है। अब कैसी सिंपल बातें जैसे यूनिफॉर्म, अब तो नाम से आप समझ जाओगे यार, मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो समझ जाओगे भाई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंदर बच्चों कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोले या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोले तो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पहली बात। तो दूसरी बात इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल,
तीसरी बात, पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो या तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है या फिर पैराबोलिक बनता है, क्योंकि पैराबोला में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है बच्चों डिपेंड्स ऑन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब ही होता है डिपेंड्स ऑन अनादर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर, मीन्स फंक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन बनकर आ जाए। एज एग्जाम्पल एक्सेलेशन टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेथड आपको लगाना पड़ता है। एप्लीकेबल। तीसरी बात करें बच्चों एवरेज एक्सेलेशन की, तो एवरेज एक्सेलेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन की बात करेंगे बच्चों, तो dv वेक्टर अपॉन dt बोलो या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप। यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब एक लास्ट बात है बच्चों जो है रिटार्डेशन से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट पर आता है बच्चों डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन को ही हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है बच्चों, ये हमारी बोलचाल की भाषा में आता है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी रिटार्डेशन जैसा वर्ड नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में सिर्फ मिलता डी एक्सेलरेशन। और इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों एक्सेलरेशन विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, वो एक्सेलरेशन जो बॉडी के मोशन का अपोज करता हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, बॉडी के मोशन को अपोज करता हो। बॉडी के मोशन को अपोज करने का मतलब है मोशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, वेलोसिटी, यानी वो एक्सेलरेशन विच अपोजेस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नॉन एज रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। मान लो जैसे कि कोई पार्टिकल इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, तो इससे ये बात समझ में आ गई कि इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के अंदर और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। अब अगर इस पार्टिकल पर आपने कोई नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया बच्चों, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया है और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट से दिख रहा है, तो यही एक्सेलरेशन यहां बनेगा रिटार्डेशन, ठीक है। पर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन हो यार, मान लो कि पार्टिकल का मोशन इस नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा हो, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव के अंदर है और अब इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दीजिए आप, तो देख लो अब इस वेलोसिटी का अपोज ये कर रहा है तो ये रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, रिटार्डेशन नेगेटिव भी हो सकता है, आपको देखना होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन अपोजिट है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, पर अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर वो एक्सेलरेट ही करेगा, बॉडी को स्पीडअप ही करेगा। यहां तक बच्चों मैंने आज आपको करा दिया, अब आपको इस पर बेस एक्सेलरेशन पर बेस क्वेश्चंस करने का तरीका मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।